अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री आज के वक्त में करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार भले ही काफी अमीर हो जाते हैं, मगर उनके काम की हमेशा ही आलोचना होती है। लोग उनके काम और उन्हें अपनाते नहीं हैं। हाल ही में एक पॉर्न एक्ट्रेस ने फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपने चौंकाने वाले अनुभवों का खुलासा किया। इसे जानकर लोगों को इस इंडस्ट्री की वास्तविकता का कुछ हद तक पता चल सका। एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस केसी कैलवर्ट ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में चलने वाली पॉर्न इंडस्ट्री के सच से हाल ही में रूबरू करवाया। पॉर्न फिल्मों के डायरेक्टर हॉली रेंडल के अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में शामिल हुई केसी ने एक ऐसे किस्से के बारे में बताया जो आपको चौंका भी सकता है और शायद थोड़ा फनी भी लग सकता है। केसी ने बताया कि एलए के घरों में फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रशासन से परमिट लेना पड़ता है, जो काफी मुश्किल काम है। इस वजह से शूटिंग लोकेशन को ढूंढना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सिर दर्द से कम नहीं। केसी ने बताया कि वो ऐसे कई सेट्स पर मौजूद रहीं जहां पुलिस ने छापा मारा, मगर एक बार तो बेहद विचित्र घटना हुई। उन्होंने बताया कि एक बार वो अडल्ट सीन शूट कर रही थी जिसमें एक पुरुष और उनको मिलाकर दो महिलाएं शामिल थीं। तभी पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और उस स्थिति में तीनों कलाकारों को बिना कपड़े पहने बाथरूम में जाकर काफी देर तक छुपना पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अंदर चेकिंग की, मगर जब उन्हें कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं दिखा तो वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद सब बाथरूम से बाहर निकले और सीन को पूरा किया। आपको बता दें कि केसी ने 21 साल की उम्र से ही पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब केसी निर्देशक भी बन चुकी हैं और फिल्में भी डायरेक्ट करती हैं।